नमस्कार, स्वागत आप सभी का सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ का नंबर वन बुलेटिन आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। कांग्रेस प्रवक्ता राधिका खेड़ा की सबसे पहले करेंगे बात, जिन्होंने आज एक बड़ा बम फोड़ दिया, कांग्रेस को छोड़ दिया। सुशील आनंद शुक्ल से विवाद के बाद इस्तीफा तो दिया, लेकिन ये सुशील आनंद शुक्ल का से उनका जो विवाद हुआ, उस विवाद से ज्यादा उनका राम मंदिर पर अपने इस्तीफे के पत्र में जिक्र रहा। खड़गे को लिखे पत्र में राधिका खेड़ा का आरोप है कि कांग्रेस में राम नाम लेने वालों का विरोध किया जाता है, कांग्रेस में धर्म का साथ देने वालों का विरोध किया जाता है, कांग्रेस में मुझे न्याय नहीं मिला, और यह भी कि कांग्रेस में मुझे न्याय नहीं मिलेगा यह कह दिया गया। कल बहुत बड़े खुलासे करूंगी, ये राधिका खेड़ा कह रही हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात उन्होंने कह डाली कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी और उसमें बड़े खुलासे करूंगी, यह भी उन्होंने कहा है। श्री अयोध्या धाम रामलल्ला की जन्मभूमि हम सब हिंदुओं के लिए बहुत ही पवित्र स्थली है और मैं वहां दर्शन करने से अपने आप को रोक नहीं पाई, लेकिन वहां जाने का विरोध इस कदर मुझे सहना पड़ेगा मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था। मेरे साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में अभद्रता हुई, मुझे वहां पे धक्का मुक्की करी गई, कमरे में बंद कर दिया गया, लेकिन मेरे साथ न्याय नहीं हुआ। मैं चीखती चिल्लाती जो हमारा मंदिर है वहां से भागी और फिर भी न्याय नहीं मिला और सब ने मुझे चुप करने को कह दिया गया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं प्रभु श्री राम के दर्शन करके आई हूँ, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं एक हिंदू हूँ, एक सनातन धर्म को फॉलो करने वाली हूँ, हिंदू धर्म को राम लल्ला की पूजा उपासना करने वाली हूँ, तो इसीलिए मुझे न्याय ना देना। तो ये पार्टी कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, आपकी लड़ाई राम लल्ला से है कि आपकी लड़ाई किसी पॉलिटिकल पार्टी से है, देश इस पार्टी को तय करना होगा। लगातार शीर्ष नेतृत्व को ये शिकायत करती आई हूँ, मैंने सभी को शिकायत करी, कोई नहीं नेता मैंने छोड़ा और लगातार मुझे चुप रहने को कहा गया। बाकी बातें मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी से शेयर करूंगी, बहुत सारे खुलासे करने हैं जो मैं कल प्रेस वार्ता के दौरान करूंगी। तो बहुत सारे खुलासे करने हैं, ये भी सोच रखा है राधिका खेड़ा ने, लेकिन राधिका खेड़ा से विवाद को लेकर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ल का पक्ष जानना भी जरूरी है। वो कह रहे हैं कि राधिका मेरी छोटी बहन है, वो पार्टी में रहें या बाहर जाएं वही सम्मान रहेगा। उनका खत सारा मजमून कह रहा है, मैं भी राम और शिव का भक्त हूं। तीसरे चरण के चुनाव को लेकर कुछ ही समय बचा हुआ है, गिनती के घंटे बचे हुए हैं और ऐसे में कांग्रेस की जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है राधिका खेड़ा, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और कांग्रेस पार्टी के भीतर अगर हम बात करें तो संचार विभाग और राधिका खेड़ा के बीच में विवाद सामने आया था। कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, राधिका खेड़ा ने इस्तीफा दे दिया, दो दिन पहले ही गुरदीप सप्पल आए हुए थे, आप दोनों से बातचीत हुई थी, बयान दर्ज कराए गए थे। अब मुझे जो बताना था मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी को बता दिया है, माननीय राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो वहाँ जांच करवाया था मैंने अपनी बात रख दी थी, प्रत्यक्षदर्शियों ने अपनी बात रख दी थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था कि इस बात को इतना ज़्यादा बढ़ाया जाए। मेरे उनके बीच में एक सामान्य बहस हुई थी और डेमोक्रेसी का पॉलिटिकल संगठन का एक हिस्सा है, कोई बात उन्होंने मुझको सुपरसीड करके किया था, बाईपास करके, मैंने आपत्ति दर्ज कराई थी, इसमें कोई अभद्रता अशिष्टता नहीं था, मैंने उनको हमेशा छोटी बहन के जैसे सम्मान दिया था और आज भी मैं भले वो कांग्रेस पार्टी में रहें नहीं रहें उनका व्यक्तिगत विषय है, लेकिन मैं उनको एक छोटी बहन के जैसे ही सम्मान देता हूँ, देता रहूँगा। मुझसे कम से कम 8-10 साल की छोटी थी, मैं 49 साल का हूँ, उन्होंने बताया कि 40 साल की हूँ, तो मैं उनसे 8-9 साल का बड़ा हूँ। कैमरा पर्सन नवीन के साथ ममता लांजेवा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ रायपुर। बड़े खुलासे की बात हो रही है, दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं सुशील आनंद शुक्ल तो सुन ही लिया, लेकिन इस वक्त दीपक बैज क्या कह रहे हैं, पीसीसी चीफ सुनते। नो डाउट छत्तीसगढ़ में लंबे समय से काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए काम किए और उन्होंने चिट्ठी भी लिखाई, शायद 22 साल से पार्टी में काम भी किए, तो निश्चित रूप से पार्टी आभारी है उनका कि लंबे समय से काम किए, लेकिन कहीं छोटे से विवाद में मैं समझता हूँ कि घर के विवाद को घर में उसको समाप्त किया जा सकता था, घर में बातचीत के जरिए समाधान किया जा सकता था, बाकी तो उनका व्यक्तिगत निर्णय है, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना। देखिए, पवन खेड़ा जो है उनके पीसी से ये विवाद शुरू हुआ था और उसके बाद गुरदीप सप्पल आए थे और आप लोग भी आए थे, बयान वगैरह दर्ज किए गए, उसके बाद अचानक से वो ये उनका जो
तीन पन्ने का इस्तीफा है उसमें जो विवाद वाली बात दूसरे नंबर पर है, लेकिन पहले नंबर पर। और इस वक्त सीधे राधिका खेड़ा खुद न्यूज 18 पर जुड़ रही हैं, तो सीधे उन्हीं से बात करते हैं और उन्हीं से समझते हैं कि आखिर क्या हुआ था। राधिका जी, बहुत स्वागत है आपका। अभी अभी दीपक बैज साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आ रही थी और आप अचानक से जुड़ गई। घर का मसला था, घर में हल कर लेना था, वो ये कह रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी 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 राधिका जी, नमस्कार। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत साथ दिया मेरी लड़ाई में। अगर आप लोग मीडिया नहीं होती तो शायद मेरी बात लोगों तक नहीं पहुंच पाती। अफसोस, मेरे खुद के परिवार ने मेरा साथ नहीं दिया, खुद के पार्टी वालों ने मेरा साथ नहीं दिया और खुद की पार्टी ने मेरे साथ इतनी अभद्रता की। मैं सुन रही थी अभी दोनों के बातें, चाहे वो सुशील आनंद शुक्ला हो, चाहे प्रदेश के जो अध्यक्ष है उनकी बातें हो। अगर मैं परिवार होती, छोटी बहन होती, तो छोटी बहन को गंदी गंदी गालियां दी जाती हैं क्या? पुनीत जी, हमारे संस्कार, सभ्यता, भारतीय संस्कृति में छोटी बहन के साथ अभद्रता, गाली गलौज, उसको तीन आदमी एक कमरे में बंद कर लेते हैं। मैंने तो नहीं ऐसा किसी भी बहन के साथ व्यवहार देखा, किसी भी महिला के साथ। हमारे संस्कार, छत्तीसगढ़ महतारी के संस्कार तो ऐसे नहीं है। और रही बात प्रदेश अध्यक्ष जी की, जो कह रहे छोटा सा विवाद है, चलिए इस पार्टी की तो आदत रही है छोटा सा विवाद, इनको लग रहा है छोटा सा विवाद तो जी इनके पूर्व मंत्री साहब को भी लगा था और छोटा सा बलात्कार लगा था, आपको याद होगा। उसी कांग्रेस में ऑफिस में बैठ के जांजगीर चांपा के प्रत्याशी ने क्या कहा था, जो अभी लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कि छोटा सा बलात्कार हुआ है। उसी तरीके से आज इनके प्रदेश के मुखिया को ये छोटी सी बात लग रही है। और वो सुशील आनंद शुक्ला जो आज कह रहे हैं कि मेरी छोटी बहन है, तो छोटी बहन को तीन आदमियों के साथ कमरे में बंद कर लिया जाता है। तीन छोटी, वो चिल्लाती रहती है और आप कुछ नहीं करते, और आप ही करते हैं, आप ही गाली देते हैं और लगातार करते आए हैं। और आज की बात नहीं है, ये लगातार 6 महीने से होता आया है। उस छोटी बहन को आपने इतना मजबूर कर दिया कि उसकी हालत ऐसी हो गई कि उसको अस्पताल लेकर जाना पड़ा। ये छोटी बहन होती है, पता नहीं 6 महीने से चल रहा था ये सब कुछ। बिल्कुल, पिछले चुनाव से, और मैं लगातार छत्तीसगढ़ की नेतृत्व से लेकर हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, ये राहुल गांधी जी से लेकर प्रियंका गांधी जी तक, ये आवाज बार बार उठाती रही। लेकिन मुझे अफसोस नहीं, लेकिन मुद्दा तो ये कहा जा रहा है कि कोऑर्डिनेशन, जो कि पवन खेड़ा का दौरा होना था, उसके कोऑर्डिनेशन को लेकर बात हुई थी आप लोगों के बीच में, ये बात आई कि कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं था। आपसे ये खबर ये भी है कि आपसे ये भी कहा गया कि भाई ये काम तो हमारा है, ये आप क्यों कर रही हैं? पुनीत जी, आप भी एक चैनल में काम करते हैं, अगर किसी की ऑफिस में काम करते हैं, अगर किसी की कोऑर्डिनेशन को लेकर तकलीफ होती है तो आप क्या उसको गाली देंगे? क्या आप उसके साथ अभद्रता करेंगे? मैंने आज तक ऐसी गालियां नहीं सुनी जो उस आदमी के मुंह से मैंने सुनी थी। और फिर उसके बाद दो आदमी मिलके, तीन टोटल आदमी मिलके, क्या आप अपने ऑफिस में किसी लड़की को बंद कर लेंगे कमरे के अंदर? सब कुछ सामने है। राधिका खेड़ा फेमिनिन कार्ड खेल रही हैं, ये भी बात जा रही है कि महिला हूं और महिला को परेशान किया गया। अब देखिए, महिला तो मैं हूं, इस पे कोई दो शक है क्या? किसी को महिला हूं, महिला को परेशान किया गया, महिला को गाली दी गई, महिला को तीन आदमी ने बंद कर दिया, महिला रोती चिल्लाती बिलबिलाती रही, महिला नीचे गई मलकीत सिंह गेंदू जी के दफ्तर में, जो वहां के जनरल सेक्रेटरी प्रभारी है, उनके सामने गुहार लगाई। लेकिन मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूं कि पूरी कांग्रेस पार्टी में, दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ में, किसी के अंदर भी रीढ़ की हड्डी नहीं है कि वो एक महिला सम्मान के लिए खड़े हो सके। ये भी कहा गया कि राधिका, ये जब पूरा विवाद हुआ तो राधिका खेड़ा ने मोबाइल निकाल लिया कि क्या कह रहे हो, वीडियो बनाया, उनके पास एक वीडियो है, ये भी कहा जा रहा है कि वो वीडियो मेरे पास पूरे। देखिए पुनीत जी, लगातार ये आदमी अभद्रता, ये लगातार गाली गलौज हमेशा से करते आए, और फिर अगले दिन आके हाथ जोड़ के माफी मांगते थे और कहते थे मुझसे गलती हो गई, मेरे होटल आके भी माफी मांग के गए, हर रोज ये गाली गलौज करते थे, फिर अपने साथी धनंजय ठाकुर के साथ मिलके आके माफिया मांगते थे, ये रोज का ड्रामा था, एक दिन गाली दो फिर माफी मांगो, बार बार ये होता रहा। लेकिन अब हदें पार हो गई, और इतनी गंदी गंदी गालियां और इतनी अभद्रता, और फिर वीडियो तो मैंने शुरू से बनाया और बहुत
राम जी की कृपा रही कि मेरा दिमाग चल गया कि जो आदमी लगातार झूठ बोलता है, और देखिए बात यही खत्म नहीं होती, वो आदमी हर रोज अपने बच्चों की झूठी कस्में खाता है। और आप कभी घूम के देखिएगा छत्तीसगढ़ के जर्नलिस्ट से जो वहां का बीट कवर करते हैं उनसे बात करिएगा, हर जना बताएगा कि किस तरीके से सुशील आनंद शुक्ला लगातार गाली गलौज करता है। राधिका खेड़ा की लड़ाई सुशील आनंद शुक्ल से है या कांग्रेस पार्टी से है? मेरी लड़ाई कांग्रेस पार्टी से है, ये लड़ाई हर उस पद पे बैठे व्यक्ति से है, राहुल गांधी जी से, प्रियंका गांधी जी से, जो मेरी आवाज नहीं सुन रहे। आप महिला न्याय की बात करते हैं, जब आपकी घर की बेटी न्याय मांगती है, गुहार करती है, तो आप चुप हो जाते हो। मैंने आप सबने मेरा ट्वीट भी देखा था, जब प्रियंका दीदी आई थी यहाँ पे तो मैंने दीदी से गुहार लगाई थी, उनके ऑफिस को भी कई मैसेज करे कि आप यहाँ आ रही है, यहाँ तो न्याय दे दीजिए, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का ननिहाल है ये। लेकिन नहीं, उनके साथी, उनके लोग, उनके यहाँ पे जो चमचे हैं दीदी के छत्तीसगढ़ में, बड़े बड़े नेता जो अपने आप को कक्का कहते हैं, वो तो जी क्या क्या नहीं बोल देते। और इस बात लेकिन राधिका खेड़ा भी वही बात है कि बीजेपी जो छत्तीसगढ़ में खेल चल रहा है वो ये कहा गया कि जानबूझकर ज्यादा टारगेट कक्का को किया जा रहा है। आप भी कक्का का नाम ले रही है, भूपेश बघेल का। दूसरा कि राधिका खेड़ा तो दिल्ली में रहती हैं और उनकी तो दिल्ली वाले बड़े नेताओं से ज्यादा करीबी रही होगी, उनकी बात नहीं सुनी जाएगी। मैं तो कह ही रही हूँ पुनीत जी, जिस आपको मैं एक बताती हूँ बात, बात यहाँ से शुरू नहीं होती है। छत्तीसगढ़ में अपना कार्यभार संभालने से पहले मैं रामलला के दर्शन करके आई। जब मैं अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन करके आई, तब से ही पार्टी ने मेरे पे मेरे लिए दिक्कत करनी शुरू कर दी और मेरे से नाराजगी जायज करनी मसलन कर दिल्ली के नेतृत्व में कि मैं रामलला के दर्शन क्यों करके आई, चुनाव के समय मैं क्यों फोटो डाली। हालांकि जब प्रभु श्री राम की मूर्ति की भी स्थापना हुई थी रामलला की, तब भी मेरे घर में सुंदरकांड हुआ था, तब भी मुझे डांट पड़ी थी कि क्यों मैंने फोटो चलाई, क्यों मेरे घर में ये सब हुआ, जो मुझे कभी समझ नहीं आया कि क्यों। राम जी हमारे आराध्य है, मैं जिसकी भी पूजा करूं वो मेरा हक है और हमारे देश का संविधान हमें ये हक देता है। लेकिन जो पार्टी संविधान के रक्षक होने की बात करती है, जब उसी पार्टी का एक कार्यकर्ता अपने घर में प्रभु श्री राम की मूर्ति लगने की खुशी मनाता है तो पार्टी को तकलीफ होती है। वही पार्टी का एक सदस्य जब प्रभु श्री राम के दर्शन करके आता है तो उस वजह से मुझे न्याय नहीं दिया जा रहा। क्योंकि मैं रामलला के दर्शन करके आई तो मेरे केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे इस बात का न्याय देने से इंकार कर दिया, साफ मना कर दिया, न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन आप चुप रही, लेकिन आप इतने दौरान इस दौरान पूरे दौरान आप चुप रही, आपने कुछ भी नहीं किया। छत्तीसगढ़ में ये सब कुछ हुआ, उसके बाद राधिका खेड़ा को लगा बुरा और राधिका खेड़ा को याद आए राम। देखिए ऐसा नहीं है, मैं छत्तीसगढ़ में काम कर रही थी, जब ये हालात हुए और जब मेरे साथ ये अभद्रता की गई तो मैंने कंप्लेंट करी। मैंने दिल्ली में कंप्लेंट करी, सारे शीर्ष नेतृत्व को, प्रियंका जी, राहुल जी, सभी को, जयराम रमेश, सभी को कंप्लेंट करी। लेकिन हुआ क्या, न्याय नहीं मिला, मुझे चुप करने को कह दिया गया, मुझे छत्तीसगढ़ छोड़ने को कह दिया गया, लेकिन किसी ने न्याय नहीं दिया। आप महिला न्याय की अगर बात करते हैं अपने मैनिफेस्टो में तो उसको धरातल पे लेकर आइए। आपकी बेटी के साथ इतनी अभद्रता हुई लेकिन एक आदमी की वजह से, एक भूपेश कक्का की वजह से आप अपनी बेटी को न्याय नहीं देना चाहते, जो केंद्रीय नेतृत्व में ही मुझे दिल्ली भेजा था, मैं अपनी मर्जी से तो आई नहीं थी। और ये पहली बार नहीं, तीसरी बार मुझे छत्तीसगढ़ भेजा गया है, पहले भी चुनाव में विधानसभा के दो बार और इस बार। मैं अपनी मर्जी से तो आती नहीं हूं, मैं अपने पैसों से, अपने घर के खर्चे से वहां रहती हूं, मैं पार्टी से एक रुपया आज तक नहीं ली, मैं अपने ही समय और समय, पैसा तो देखिए हाथ की मैल आएगी जाएगी लेकिन मेरे समय से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। मैंने दिन रात काम किया, आप लोगों ने मेरी खूब प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई, पूरा प्रदेश घूमी, लेकिन जब बारी आई तो मेरे को गाली दी गई, मुझसे अभद्रता करी गई। लेकिन इसमें आपने एक नाम और लिया, बीच में टोकता जा रहा हूं आपको उसके लिए सॉरी, लेकिन आप एक नाम और ले रही हैं, भूपेश बघेल कका। कका से ऐसी क्या हो गई बात जो कका जो है वो टारगेट पर आगे राधिका खेड़ा के? पुनीत जी, छत्तीसगढ़ आप लंबे समय से देखते आ रहे हैं, कवर करते आ रहे हैं, पिछले 5 साल से लगातार भूपेश कक्का हमें बेटी बना के छत्तीसगढ़ तीजापुरा पे बुलाते आए हैं। हम तो अपने आप को छत्तीसगढ़ की बेटी मानते आए थे। आज जब मैंने छत्तीसगढ़ के कक्का से गुहार करी कि आपका ही चेला, आपका ही दुशील मेरे साथ ऐसे कर रहा है, तो उन्होंने मुझे साफ तौर पर जो बातें बोली उनका मैं खुलासा कल करूंगी, लेकिन ये बात साफ है कि उनका संरक्षण सिर्फ और सिर्फ प्रियंका गांधी की तरफ से किया जा रहा है। प्रियंका गांधी जी
की टीम है भूपेश बघेल जी, और वही ये काम कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी भी मुझे न्याय देने का काम नहीं कर रहे, क्योंकि देखिए मैं न्याय तो दिल्ली से मांगूं क्योंकि दिल्ली ने मुझे यहाँ भेजा था, और दिल्ली ही मुझे न्याय नहीं दे रही, क्यों? क्योंकि मैं रामलला के दर्शन करके आई। लेकिन ये किसी भी पार्टी का मंदिर होता है जो हमारा प्रदेश का कार्यालय होता है, और हमारी पार्टी के मंदिर में जब ये किया जाता है तो आप खुद सोच लीजिए कि बेटी के सुरक्षा की बात कर रहे हैं, जब अपने दफ्तर में सबसे सेफ प्लेस में हम सुरक्षित नहीं है और न्याय नहीं दिया जा रहा। सिर्फ एक गलती बेटी की, एक गलती कि वो प्रभु श्री राम की उपासक है और वो प्रभु श्री राम के दर्शन करने रामलला के दर्शन करने। तो ये जब बात हुई थी, ये राधिका खेड़ा बार बार राम पर, राम के दर्शन पर आ जाती हैं, लेकिन राधिका खेड़ा कहती हैं ये भी तो इसी चर्चा में कि 6 महीने से मेरे साथ ये सब कुछ चल रहा था और फिर राम दर्शन का बहाना, तो ये कहा जा रहा है, मैं ये मैं नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैंने इस खबर को कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये तो मामला कुछ और था, ये मामला कुछ और था, ये पहले से बहुत कुछ हो सकता है कि पहले से बहुत कुछ तय हो। नहीं, जब कमरे में मुझे बंद किया गया वो मैंने बंद किया क्या? गाली गलौच मैंने करी क्या? वहां राम के नाम पर या मंदिर दर्शन को लेकर ऐसी कुछ बात हुई थी क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, केंद्र नेतृत्व की बात हो रही है, क्योंकि केंद्र नेतृत्व मुझे न्याय देगी। यहाँ पे कौन न्याय देगा? जो उनके साथ मिले हुए सुशील आनंद शुक्ला के साथ, वो न्याय देंगे मुझे? केंद्र नेतृत्व मुझे न्याय देगा? दीपक बैज जो प्रदेश अध्यक्ष, उनके सामने पेशी हुई आप लोगों की, क्या क्या मुद्दा था उन्होंने सुना? देखिए, मैंने लगातार 5 दिन छत्तीसगढ़ में शांति बनाई रखी और हर रूल फॉलो किया पार्टी का कि न्याय दिया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन होगी। लेकिन दीपक बैज ने एक बार भी, एक आप मुझे बता दीजिए 5 दिन में अगर कोई ऐसा वाक्य होता है, क्यों उस आदमी को शो कॉज नोटिस नहीं दिया? एक बार भी शो कॉज नोटिस नहीं दिया गया। आप भी एक जगह पे काम करते हैं, अगर ऐसी कोई चीज आती है तो शो कॉज नोटिस देके उसे पूछा जाना चाहिए था, उस दुशील से पूछा जाना चाहिए था कि क्या इसमें सच्चाई है या नहीं। क्योंकि प्रदेश के महामंत्री मलकीत सिंह गेंदू के कमरे में मैं रोती भी भागती भी गई और मैंने उनको वीडियो भी दिखाया कि देखिए मेरे पास वीडियो है। तो ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता था। तो तब भी प्रदेश के मुखिया दीपक बैज ने उस आदमी को, चाहे वो हो चाहे सचिन पायलट हो, जिनको मैंने सबसे पहला कॉल लगाने का काम किया, और सब आके बोलते हैं कि हमें पता ही नहीं था, हर चीज का रिकॉर्ड मेरे नहीं पास। तो सबसे पहले राधिका खेड़ा जब रो रही थी और जो बातें सामने आई, जो वीडियो सामने आया, उसमें इमेज तो आपकी क्लियर नहीं लेकिन आवाज समझ में आ रही कि आप कितनी तकलीफ में हैं, राधिका खेड़ा ने सबसे पहले कॉल किसको लगाया था? मैंने सबसे पहला कॉल सचिन पायलट को लगाया, दूसरा कॉल मैंने पवन खेड़ा जी को लगाया, तीसरा कॉल मैंने भूपेश बघेल जी को लगाया, चौथा कॉल मैंने विनोद वर्मा जी को लगाया। और ये जो कॉन्वर्सेशन जो मैं रो रही हूँ, जो किसी ने वीडियो बना के डाल दिया, भगवान का शुक्रगुजार करती हूँ और उस आदमी या औरत का भी शुक्रगुजार करती हूँ जिसने वो वीडियो बनाया कि मेरी पीड़ा लोगों तक पहुंची। तो उस समय का जो वो वीडियो बना है, वो समय मैं विनोद वर्मा से बात कर रही थी। उस समय आप विनोद वर्मा से बात कर रही हैं और आप अपनी तकलीफ जाहिर कर रही हैं। राधिका खेड़ा संरक्षण कर रहे हैं, राधिका खेड़ा क्या इस मामले पर बखेड़ा खड़ा कर रही हैं या फिर उनके साथ इतना अन्याय हुआ तो कानून की सहायता लेने वाली? पुनीत जी, आप भी एक भाई, पिता, बेटे हैं, आपके घर में भी महिलाएं हैं, अगर आपकी किसी घर की महिला के साथ इस तरीके की चीज हो तो क्या वो बखेड़ा है? अगर एक महिला न्याय की गुहार कर रही है तो वो बखेड़ा है? क्यों? मैं सवाल सिंपल सा पूछती हूँ कि क्यों 5 दिन लग गए दीपक बैज को, क्यों 5 दिन लग गए केंद्रीय नेतृत्व को, वो एक क्यों राहुल जी, क्यों मल्लिकार्जुन खड़गे जी, क्यों जयराम रमेश जी एक खंडन नहीं दे पाए, एक बार उस आदमी को नहीं बोला कि आप 5 दिन जब तक इन्वेस्टिगेशन हो रही है आप कार्यभार नहीं संभालेंगे, कोई और संभालेगा? क्यों राहुल जी, प्रियंका जी को जब गुहार गई, मैं तो AICC की ऑफिस बैरर हूँ, नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर, 24 अकबर रोड में मेरा कमरा है बकायदा, AICC की वेबसाइट पे आप मेरा नाम देखे, मैं तो ऑफिस बैरर हूँ। तो मैं जब ऑफिस बैरर हूँ, मैं जिम्मेदारी किसकी हूँ? हमारे माँ बाप किस पे विश्वास करके हमारे को छत्तीसगढ़ भेजते हैं? केंद्र नेतृत्व पे, कि हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी? हम काम कर रहे हैं दिन रात पार्टी के लिए तो किसकी जिम्मेदारी? पर वो केंद्र नेतृत्व चुप रहा 5 दिन, प्रदेश का नेतृत्व चुप रहा 5 दिन। आपने जिक्र किया कि 2 दशक से ज्यादा समय आपने पार्टी को दिया है, इसके पहले भी आपने क्या ऐसा अनुभव किया? 22 साल से मैं इस पार्टी में हूँ, मैं लगातार देखती आई हूँ। आपको याद होगा श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी रही हो या अंकिता दत्ता जिसके साथ हाल ही में हुआ, और छत्तीसगढ़ का तो देखिए पहले भी हुआ है, प्रियंका दीदी के लोगों ने ही किया था,
यहाँ पे वो अर्चना गौतम आई थी, आपको याद होगा जब हमारी पार्टी का वो चल रहा था, कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन चल रहा था, तो उसके साथ वहां पे भी अभद्रता हुई थी। लेकिन राधिका खेड़ा तब चुप रही, बिल्कुल नहीं चुप रही, मैं कभी चुप नहीं रही हूँ। महिला, मैं न्याय के लिए हमेशा लड़ती आई हूँ और हमेशा अपने पार्टी में भी आवाज उठाती आई हूँ और इसी की सजा मुझे मिली है। चुप रहती होती तो आज मुझे सजा नहीं मिल रही होती। चुप ही तो चाहते थे कि ये पार्टी चाहती तो लड़ाई कैसे लड़ने वाली आगे की? देखिए, लड़की हूँ, लड़ रही हूँ, न्याय लेके रहूंगी और मुझे प्रभु श्री राम पे पूरा विश्वास है कि मुझे न्याय मिलेगा। बाकी मैं कल सुबह 11:30 बजे प्रेस वार्ता करूंगी, उसमें बाकी सारी बातों का खुलासा करूंगी। बीजेपी से बात हुई, बीजेपी कह रही है कि आइए आपका स्वागत है। देखिए, एक तरफ वो लोग हैं जो मेरी अपनी पार्टी है, जिनको मैंने अपना 22 साल दिया, 17 साल की उम्र से जिनके साथ जुड़ी रही, और सिर्फ 17 साल की उम्र नहीं, पीढ़ियों से जुड़ी हुई। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया राधिका जी।